मणिपुर में सरकार किसके, मुझे मत कहिए मणिपुर में सरकार किसके, ये बताइए मणिपुर में सरकार किसके, ये बताइए मणिपुर में सरकार। फिर आप देख लीजिए हमारे अंदर का अगर कोंडा वाला जग गया ना, ठीक नहीं, गोली का बदला गोली से दे पाएंगे, आतंकी चंद दिनों के पाप दूर भी पाएंगे। राजीव गांधी जी ने जो इस देश के लिए किया, पहले तो हमको 18 साल के उनको वोट डालने का अधिकार दिया, पहले जो था वो 21 साल का मत डालता। राजीव गांधी ने डिजिटल दिया, अगर डिजिटल नहीं होता तो आप लोगों के हाथ में मोबाइल ना रहा। ये मोदी जी इस पर टैक्स लगाने का काम किया, मोदी जी रिचार्ज महंगा का काम किया, मोदी जी जियो का धन अधन प्रचार करने का काम किया। इसके अलावा वर्तमान सरकार से हम राजीव गांधी किसी प्रश्न की ही नहीं जाता, कहाँ राजा भोज और कहाँ फलाने फलाने, समझदार के लिए इशारा काफी है और बच्चों के लिए गुब्बारा ही काफी है। डिजिटल में नहीं आता है, डिजिटल में आता है कि नहीं आता, इसका जवाब दी। डिजिटल में आता है या नहीं आता, यस या नो, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब नहीं दे रहे, बात को गोल 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 जिलेबी की तरह घुमा रहे हैं, तो घुमाइएगा मत, जवाब दीजिए। मोदी जी का कोई योगदान नहीं है आप? हाँ है ना, मोदी जी ने सिर्फ और सिर्फ शौचालय बनाने का काम किया, किसी ने ITI बनाया, एम्स बनाया, पता नहीं क्या क्या बना के ढिंढोरा नहीं पीटा, लेकिन मोदी जी की सरकार ने शौचालय बनाकर ढिंढोरा पीटने का काम किया। और मोदी जी का 5 काम गिनवाइए आप, जो जनहित के मुद्दों पर किया गया और जनहित में किया गया। मोदी जी के राज में सिर्फ कटोरा पकड़ाया गया है बस, और कुछ दिन और इंतजार करिए, आप सबके हाथ में वही कटोरा आएगा। तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है, किस चीज पर? तीसरी 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। 2013 में भैया, 2013 में जिस आटे का रेट 22 रुपए था, उस आटे को 40 रुपए में कर दिया। ये अर्थव्यवस्था बना रहे हैं, देश को सशक्त बना रहे हैं। आए दिन 86 महिलाओं का बलात्कार हो रहा है और सशक्त बना रहे हैं आप लोग, तो मीडिया के बंधु में मीडिया कहाँ जा रही है, सशक्त बन रहा है। तो कुछ पत्रकार, कौन भंडारी था, प्रवीण भंडारी करके था ना, जिसने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, आप लोग भी बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों से बेहतर प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी को मिल ही नहीं सकता। तेज बोलिए, तेज। मोदी जी भी दुख व्यक्त कर रहे हैं लाल किला से। अच्छा एक चीज बताइए, लाल किला से हर बार वही घिसी पिटी बात, उबाऊ भाषण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हर बार का वही उबाऊ भाषण, इस बार भी 98 मिनट पाओ भाषण, मतलब जनता उब गई, लेकिन जनता की निगाह कहाँ राहुल गांधी पर। और आपको एक चीज याद होगा कि जब शिवाजी महाराज पहली बार दिल्ली आए थे तो औरंगजेब ने भी उनको लास्ट की कतार में बैठाया था, और लास्ट बाद में क्या हुआ कि औरंगजेब उसके बाद में कभी दिल्ली नहीं देखे। अगर आप लोग समझदार हैं तो ये बात औरंगजेब के लिए थी ही नहीं। जी अभी JNU में खबर आ रही है कि JNU को चलाने के लिए पैसे नहीं है और उसकी संपत्ति, मोदी जी से बात कीजिए, बेचने में माहिर है भैया, वो भी बेच देंगे। मोदी जी से बात कीजिए, हमने देखा है, सुबह ही देखा, मोदी जी तो बेच देंगे उसको भी, क्योंकि इनके पास फंड नहीं आ रहा है, बता रहे हैं। अब भाई फंड नहीं आएगा तो उसको भी बेच देंगे, रेल बेच दिया, अब रेलवे का फंड आ रहा था कि नहीं आ रहा था, सेल बेच दिया, खेल बेच दिया, खेल बेच दिया, लाल किला बेच दिया, जंगल दिया अडानी को, तेल हवा अंबानी, लाल किले की बारी है, साहब की लीला न्यारी है, देश की बिक्री जारी है, और आप लोग ऐसे ही दलाली करते रहे तो आम जनता की बिक्री है। अभी सुनिए साहब, JNU का बोल रहे हैं ना, आने वाले समय पे आपका पैंट और शर्ट ना बेच दे तो पहन, जो डलहौजी ना कर पाए ये काम कर देंगे तो कमीशन दे दो, तो देश की एक एक संपत्ति को निकला। बुलडोजर बाबा है, वो यूपी से चल के अब देश भर में छा रहे हैं, अब राजस्थान में भी बुलडोजर चल गया। अरे भैया, यूपी के लोगों को नौकरी दीजिए, बुलडोजर बुलडोजर नहीं चाहिए। यूपीपी का पेपर लीक हुआ था और फिर 23 और 26 तारीख के बीच में पेपर होने वाला है, पहले आप पेपर को समझिए कि पेपर कहीं ना लीक हो जाए, क्योंकि यूपी में डायपर लीक नहीं होता है, यूपी में डायपर लीक नहीं होता लेकिन पेपर जरूर लीक हो जाता है। तो योगी बाबा से हम कहना चाहेंगे एक लाइन में कि बेहिसाब हसरते ना पालिए, और जो मिल गया है पेपर फिर से होने तो जा रहा है, होने जा रहा है, लेकिन क्या भरोसा, लीक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, ऐसे मैं कल भारत बंद का साहब ने बयान दिया, वो प्रधानमंत्री के बयान आने के बाद उस संचार में आई तब वो
तो हम लोग संविधान बचाने की बात करते हैं। हर बार संविधान पे जो बात आती है सुनिए, पहले सुन लीजिए, संविधान पे बात आती है तो सबसे पहले विपक्ष होता है। 400 पार कर दीजिए संविधान बदलने की बात कौन कर रहा था? जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब मैम, सवाल सुन रहे हैं आप, उन्हें जुबान डालेंगे, जुबान डालेंगे आप, उन्हें जुबान डाल देंगे आप, उन्हें जुबान डालेंगे आप, उन्हें जुबान डालेंगे आप, उन्हें जुबान डालेंगे, मैं जो पूछ रहा हूँ आप जुबान डालेंगे, फिर मैं वही बता रहा हूँ, संविधान पे जब जब बात आती है, संविधान पे जब जब बात आती है तो हम लोग बिना राजनीति के बोलते हैं। देश की महिलाओं पर बात आती है वैसे तो मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बोलते हैं ना, और चिमियानंद को बचाने की बात आजकल चल रही है, आपने देखा होगा चिमियानंद पे जो केस लगे थे उसको वापस ले रही है, ये बेटी बचाने वाले लोग हैं उस पर आपको सवाल नहीं करेंगे। संविधान पर हम लोग कल भी बात करते थे, आज भी बात करते हैं। अच्छा आपके सवाल का जवाब नहीं, आप जो चाहते हैं आप अपनी जुबान मेरे मुंह में डाले, मैं वही चीज बोलूँ, मतलब मीठ मीठ खूब और तीत तीत खूब, आप लोग यही चाहते हैं ना कि पूता हूँ मीठ भतर हूँ मीठ, हम सुन लिए। हम क्या करें कि देश की महिलाओं पर कहीं भी अत्याचार होगा तो हम लोग बिना राजनीति के बोलते रहेंगे। अब बताइए कि एक वो पार्टी है जो बलात्कारियों को हार माला पहनाती है, हम लोग तो बलात्कार करने वाले को सजा मौत की मांग करते हैं, जिधर भी देखो हवस के जल्लाद बैठे, और संभाल कर रखना अपनी फूल जैसी बच्चियों को, क्योंकि सत्ता चलाने वाले बेऔलाद सत्ताधारी लोग बोलते नहीं। जो देश नारियों की पूजा करता था वो कुछ लोग सत्ता में बैठ के बलात्कारियों की पूजा कर रहे हैं। आपको पता होगा उनकी वाली कि वो आता है बाहर तो उसका फूल माला से स्वागत किया जाता है, और फूल माला से स्वागत करने वाले लोग किस पार्टी के थे आप जानते हैं, जो कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। उसी पार्टी की नारी की बात कर रहे हैं तो अभी कंगना रनौत आपको कह रही हैं राहुल गांधी, मैं उनका नाम नहीं सुनना, मैं देखिए एक सनातनी ब्राह्मण हूँ, मैं उनका नाम नहीं सुनना चाहता हूँ, पूछे क्यों? क्योंकि हम लोग परमहंस महाराज को मानते हैं, जगत गुरु को मानते हैं, आदि शंकराचार्य को मानते हैं। शंकराचार्य महाराज जी ने कहा है कि उनकी शकल देखने से पाप लगता है, ये महाराज जी का बयान, ये अनुराग ओझा का बयान नहीं, क्योंकि वो महिला कहती है मैं पिप, हम लोग गाय को माता मानने वाले देश में रहते हैं, बताइए जो वो लोग खाता है हम लोग उसका समर्थन करेंगे, उसका बात सुनेंगे भैया, ऐसे लोगों से हमको बचा दें। देखिए ये सब बांटने का काम कर रहे हैं भाजपा वाले, हिंदू मुस्लिम में बांट दिया, दलित ब्राह्मण में बांट दिया, तो बांटने का काम करते हैं, बांटने वाली सरकार वाकई में पटी हुई है, अब कितने दिन तक ऐसे चलती है। अब एक चीज बताइए, अभी ये वक्त कोर्ट पर कानून बनाने जा रहे हैं, राज्यसभा में इनका कितना मुसलमान सांसद है, लोकसभा में इनका कितना मुसलमान सांसद है, मुसलमान सांसद इनको नहीं चाहिए लेकिन मुसलमान के ऊपर कानून लिखते, मुसलमान सांसद कहाँ सबका साथ सबका विकास, अगर सबका साथ सबका विकास की बातें करते हैं तो न्याय दिलवाए ना उन बच्चों को जिनका आयकर हो रहा है, अगर सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो किसानों की हिम्मत दुगना करें ना, अगर सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो अग्निवीर तो परमानेंट करें ना, कब करेंगे महाराज? लेकिन वकील नहीं होता है भाई, आप बहुत अच्छे हैं लेकिन मोदी की दलाली करते हैं, मतलब तारीफ भी और ये नहीं होता है भाई, मैं भारत की बात कर रहा हूँ, लेकिन आपकी जो मीडिया बांग्लादेश के मुद्दों को उठा रही है, वहाँ पे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है सरकार, अभी मोदी जी का ही बयान है, मोदी जी ने कहा था कि हम बांग्लादेश को आजाद करवाने के लिए जेल गए, मोदी का बयान है। अब बताइए मोदी वहाँ पे हिंदुओं पर अत्याचार हो तो आप भेजिए मिलिट्री को, अपने फोर्स को भेजिए, जिस दिन हम गोली का बदला गोली से दे पाएंगे आतंकी चंद दिनों के पाप दूर हो जाएंगे, कौन रोक रहा? चलिए हम लोग आपके साथ में हैं, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, और जो हमारे विदेश मंत्री हैं कहते हैं कि कुछ बोलना ही नहीं है, भैया हम विदेश मंत्री का कहना मानेंगे या आप लोगों के कहने पर बोलेंगे? विदेश मंत्री को कार्रवाई करना चाहिए, सरकार को नीति बनाना चाहिए ना, सत्ता में कौन बैठा है? राहुल गांधी बैठे हैं, अखिलेश यादव जी बैठे हैं, लालू प्रसाद यादव जी बैठे हैं, सत्ता में तो नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, तो नरेंद्र मोदी जी चल के वहां पे कार्रवाई करें, हम लोग साथ में खड़े हैं। मैं क्या बता रहा हूँ कि वहाँ पे हिंदुओं का सर गलत हो रहा है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ, लेकिन मेरे देश में वाकई में इतनी समस्या है कि मैं अपने देश के मुद्दों पर बोलना उचित समझता हूँ। अरे मणिपुर पे बात किया जाए या पहले वहाँ पे बात किया, मणिपुर देश का मुद्दा है और मैं देश
तो मैं देश के मुद्दों पर बात करूंगा। धन्यवाद। लेकिन लोकसभा में तो बोले थे ना कि मणिपुर पे हम हर बार बोलते हैं, हमने क्या बताया अभी आपसे कि मणिपुर में किसकी सरकार है, मणिपुर में किसकी सरकार है बताइए आप, मणिपुर में किसकी सरकार है जवाब दीजिए। अरे मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब नहीं देते हैं। प्रधानमंत्री बोले चचा है आपके जो पूछ रहा हूँ मणिपुर में सरकार किसकी है उसका जवाब नहीं दे रहे। मणिपुर में सरकार किसकी है उसका जवाब, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब, अगर आप नहीं बोलेंगे तो हम भी नहीं बोलेंगे। जाइए दलाली भाई, 500 रुपया आपके पेटीएम पे आएगा, करते रहिए आएगा 500। गलत आरोप बताइए मणिपुर में सरकार मणिपुर में सरकार किसकी है मुझे मत कहिए, मणिपुर में सरकार किसकी है ये बताइए, मणिपुर में सरकार किसकी है ये बताइए, मणिपुर में सरकार किसकी है। फिर आप देख लीजिए हमारे अंदर का अगर कोंडा वाला जग गया ना, ठीक नहीं। क्या कहना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री, जब एक आदमी बोल रहा है लोकसभा में क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, मणिपुर पर दुख जता दिया तो और क्या चाहिए आपको। अच्छा एक चीज बताइए, वैसे तो मोदी जी मन की बात करते हैं, मणिपुर नहीं जा सकते हैं, एरोप्लेन में तेल खत्म हो गया है, मैं अपना एक बीघा खेत बेच के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एरोप्लेन में गैस भरवाने का काम करूं, जाएंगे मणिपुर मोदी जी, भेज दीजिए वीडियो मोदी जी और जाए मणिपुर, मणिपुर एसी में जाए, अगर ट्रेन से जाना एसी ट्रेन से चले जाए, अनुराग ओझा उनका टिकट करवाएगा, जाएंगे मोदी जी। बोलिए, मुंह में टेप लग गया, हंसिए मुंह पे घुमाइए, हंस रहे हैं मणिपुर पे तो हंस रहे हैं। अरे आदमी हो शैतान, पत्रकार हो शैतान हो, तो मणिपुर जैसी घटनाओं पर आप तो हंस रहे हैं, शर्म आती है मुझे मीडिया। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या लग रहा है? मैं यही कहना चाहता हूं एक लाइन में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मणिपुर भी जाए, मणिपुर की घटनाओं पर बात करें, देश का युवा रोजगार के लिए पिट रहा है उस पर बात करें, उलूल जुलूल की बात ना। मणिपुर जाए, वेस्ट बंगाल में जाए, पश्चिम बंगाल में जाए, बिल्कुल पश्चिम बंगाल में जहां भी। मैंने अच्छा एक चीज बताइए, आपका कैमरा चल रहा है, मैंने शुरू में ही मैडम बोला है कि देश में कहीं भी महिलाओं पर अत्याचार होता है तो हम लोग बिना राजनीति के बोले, वहां पे ही नहीं देखेंगे कि कांग्रेस की सरकार है या भाजपा की सरकार है या इंडिया गठबंधन का या एनडीए गठबंधन की सरकार है, हम लोग वहां पे बोलेंगे क्योंकि ये देश नारियों को पूजने वाला देश है। और मोदी जी अभी क्या कह रहे थे जब राहुल गांधी ने चुनाव के समय प्रतिनिधित्व पर बात की थी, देवी स्वरूपा। अब बताइए कि वो देवी स्वरूपा नहीं है मणिपुर वाली बिटिया हमारी, मुजफ्फरपुर वाली बिटिया हमारी देवी स्वरूपा नहीं है, बताइए पश्चिम बंगाल वाली बिटिया हमारी देवी स्वरूपा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुंह में गोंद लग जाता है, तो जनता एक बार गोंद सही से छुड़ा दी है ना, अब आएगा समय ये भी गोंद छूटेगा।